सब्सक्राइब कीजिए अराइव 24 न्यूज को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने के लिए। दिसंबर साल 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप के दोषी विनय शर्मा ने अगस्त 2016 में तिहाड़ जेल में आत्महत्या की कोशिश की थी। जेल में इसने कुछ दवाइयां खाने के बाद गमछे यानी कि तौलिया को गले में बांध कर जान देने की कोशिश की थी। विजय तिहाड़ के जेल नंबर 8 में बंद था। आत्महत्या की कोशिश के दौरान उसे गंभीर हालत में दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साल 2012 में 16 दिसंबर की रात चलती बस में गैंगरेप के मामले में कुल 6 अपराधी थे। राम सिंह की मौत के बाद मामले में बाकी 5 को दोषी पाया गया। 5 में एक नाबालिग दोषी को छोड़कर बाकी 4 को सजाए मौत का हुक्म दिया गया। 16 सितंबर 2013 को 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। नाबालिग को 3 साल की अधिकतम सजा के साथ केंद्र में भेज दिया गया था जिसे बाद में रिहा कर दिया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2017 के फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालत द्वारा गैंग रेप और हत्या के मामले में उन्हें सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अराइव 24 न्यूज, पहचान सच्चाई की। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, हम आपको ऐसे ही तमाम खबरों की अपडेट्स देते रहेंगे।